बिहार में चुनावी साल है, लेकिन लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के फांस में फंस चुके हैं। खराब सेहत को देखते हुए लालू प्रसाद का इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। वहीं लालू प्रसाद देश के गिने चुने नेताओं में से हैं जिनकी अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी सिलसिले को लालू प्रसाद के समर्थक अभिषेक सिंह यादव ने आगे बढ़ाया है। अभिषेक ने लालू प्रसाद यादव की तारीफ में लालू चालीसा की रचना की है। लालू चालीसा का विमोचन रिम्स के सामने किया गया। इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों ने लालू चालीसा की पंक्तियों को पढ़कर सुनाया। अभिषेक ने कहा कि लालू चालीसा की लाखों कॉपियां बिहार और झारखंड में बांटी जाएंगी। अभिषेक ने कहा कि सभी विरोधी पार्टियां लालू यादव के नाम से ही घबराती हैं। हम लोग को बचपन से ही इतना लगाव है और लगाव है कि मतलब इनको हर जगह हम लोग देखे कि एक मतलब कि उनके डेरा में पटना में रहते थे, वहीं से कॉलेज में आंदोलन किए, छात्र जीवन से ही जो किए और एक दबे कुचले को जो मतलब एक बराबर का लेवल में जो बैठने का मतलब ये किए, इसके लिए हम लोग को इनसे बहुत मतलब प्रेरणा मिला और ताकत मिलता है कि कम से कम जो नीचे तबका है आज इन्हीं के चलते आज बराबरी का तबका में ये कर पाता है। और एक गरीब गुरबा का बेटा वहाँ का सीएम बना और तेजस्वी जी भी अब सीएम बने, इसके लिए मतलब कि हर तो अब तो आज तो विमोचन कर दिया, आप लोग पाठ भी कर लिए, क्या ये बांटवाया जाएगा राज्यभर में? हाँ, पूरा राज्यभर में इसको बटाया जाएगा, पूरा राज्यभर में लाखों कॉपी इसकी बटेगी बिहार से लेकर झारखंड। वही इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने गरीबों को जगाने का काम किया है। सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद गरीबों के मसीह हैं। लालू जी के जीवन पर वर्णन है लालू चालीसा जी, जो इन्होंने दलितों को जगाने का जो इन्होंने पिछड़ों गरीबों का जो माने जगाने का जो काम किया है। और जब देखते हैं कि लोग बोलता है कि जब डर किसी को समाता है तो जब बजरंगबली का नाम लोग लेते हैं तो डर भाग जाता है, उसी तरह यहाँ जो है जितनी भी पार्टियां हैं वो लालू यादव से घबराई रहती है। राजग गठबंधन जो देश में बैठी हुई डबल इंजन की सरकार है वो सिर्फ एक नाम से घबराती है, उस शख्स का नाम है माननीय लालू यादव। और इसीलिए हम लोग लालू चालीसा को लिखे हैं कि जो इन्होंने गरीबों के बल पे जो बिहार में जो शासन किया, देश में जब रेल मंत्री बने तो सदियों से घाटा में जो चल रही थी उस घाटे को इन्होंने प्रथम बजट में मुनाफे में बदलने का काम किया। तो लालू यादव जी वो शख्सियत हैं जो अपने कर्म के रूप में जाने जाते हैं। लालू प्रसाद के लाखों समर्थकों के बीच लालू चालीसा लोकप्रिय हो सकता है। लालू चालीसा किताब के लॉन्चिंग की टाइमिंग बेहद खास है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी आरजेडी ने शुरू कर दी है। अब इस चुनाव में लालू चालीसा का क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।